अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अस्सलामुअलैकुम। 30वां और आखिरी रोज़ा बहुत बड़ा मुबारक हो गाइस, माशाल्लाह 30 हो गए, आज पूरे हो जाएंगे और कल हम लोग प्यारी प्यारी ईद मनाएंगे इंशाल्लाह। बस अभी सहरी का टाइम हो गया, आखिरी सहरी आज, और मैंने बोला मुझे भी लेके चलो, आज आखिरी सहरी है, ये मज़ा कैद कर ले हम लोग, ताकि फिर अगले साल ही ईदानी, आज आखिरी सहरी है तो आखिरी सहरी बनाने में देखने इनके साथ बाहर जा रही हूँ। चलते हैं बाहर, थोड़ा सा चलें बाहर घूम कर आते हैं। टाइम देखें क्या हो रहा है, 3:20। टिंग टिंग, चलो तो गाइस ये देखिए रौनक, आप ये है मेन बिस्मिल्ला होटल, ये देखे हैं वीवर्स, ये रहे यार, ये टोपी वाला बच्चा है ना, इसके आके खड़े हैं यार, लाइन में खड़े हैं, लाइन में लेके पराठे ले रहे हैं, लाइन में लग के ये मेरे खाते बेचारे क्या क्या कर रहे हैं, वरना इनको बहुत चढ़ती है ये काम करने से। ये आ गए मेरे मियाँ जी पराठे लेके, बहुत रश हो रहा था, लाइन में लग के पराठे लिए इन्होंने जी। वीवर्स अब हो गई है घर की वापसी, ये देखिए। तो गाइस देख रहे हैं आप, मैडम अंडे लेने गई हैं बेकरी पे, मलाई की तेली गिर गई थी और फट गई, अब मेरे मियाँ जी मेरा रायता फैलाया हुआ साफ कर रहे हैं। गाइस इनको आज पता चला है कि बाहर पराठों पे कितना रश होता है। मैंने व्लॉग बनाया आपकी लाइन का, इन्होंने आज देखा, ये समझती है जाते ही यूं लेकर आ जाते हैं। चले खैर होती, बेगम के लिए इतना तो कर सकता है, आखिरी सहरी है। हम नहीं खा रहे होते भाई, दुनिया खा रही होती है, जो बेचारे परदेसी है वो तो यही खा रहे होते हैं, परदेसी के अलावा बस बहुत लोग खा रहे होते हैं। चले सो व्यूअर्स, हमारी आज की सहरी मतलब आखिरी सहरी, आज तो पक्का आखिरी सहरी, और अल्लाह पाक दोबारा ये महीना नसीब करे, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर अगले रमजानों में भी ज़रूर मिलेंगे ऐसा ही। तो आज आखिरी रोज़ा है और कल ईद होगी जैसे कि आप सबको पता है, और ईद की तैयारियाँ ज़ोरों शोर में चल रही हैं सबकी। तो गाइस देखें आज की हमारी सहरी है अंडा हाफ फ्राई, जो सिर्फ मैंने खाना है, ये आलू जो मेरी भाभी ने दिया ऊपर वाली, ये कबाब भी उन्होंने ही दिया, ये चने मैं आज लेकर आया था बाजार से, निहारी के चने लग रहे हैं तो ऐसा लग सही है, और ये मलाई मैडम की, और भी पराठे, चाय अभी ये खुद बनाएंगी तो खुद ला के दे देंगी, तो चाय, ये अंडे भी ना मैंने बनाए, चाय अकेले ही पीनी है मैंने तो स्टार्ट, आज चाय मैं भी पीऊंगी, मलाई डाल के खा के दिखाएं आप पहला नहीं वाला अंडा कैसा बना है। अंडा बहुत मजे का लग रहा है मेरे मियाँ ने खास बोला, तो बेगम अंडे अच्छे बना देना यार प्लीज, बहुत शौक से। चलें जी अब हम भी सहरी स्टार्ट करते हैं। ओके ये देखें व्यूअर्स, ये मेरा मुन्ना पानी पी रहा है और चाय ले आई मैं, सहरी हो गई भाई, मुझे भी बहुत मजा आया, बहुत शदीद भूख थी और जैसी भूख थी ऐसी खाना मिला, और अब हम चाय पियेंगे, मैं चाय पीती नहीं हूँ लेकिन ये मलाई की खातिर मैं चाय पी रही हूँ, इसमें मलाई बहुत सारी डाली है। चलें अब चाय पीते हैं हम लोग, फिर उसके बाद नमाज पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे, है ना जी। यस इनका मेहंदी का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ है, कल ये देखें फिर सारी लगवा कर आएंगे, फिर आज इसको ना सना को पकड़ लिया, मेरे मेहंदी लगा दो, एक हाथ खाली रह जाता ना अच्छा नहीं लगता, एक हाथ खाली रह जाता अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने इधर लग गई, इधर लग गई, उधर लग गई, पैरों पर लग गई, तो एक हाथ तो रह गया ना, बुरा मान जाता मेरा वो हाथ, नाराज हो जाता मेरे से, इसलिए निशान ले गया तुम्हारे यहाँ पे, ये ना कट लग गया, खैर अपनी अपनी खेती है, सही हो जाएगा फिर, अल्लाह को रोशनी आ गई, मेरे को भी बड़ा शौक है। सो व्यूअर्स देखा आपने ईद की तैयारियाँ, अभी फुल टाइम जोरों शोर पे चल रही है, देखे आप घर बार सब क्लीन हुआ हुआ है, बस हमको कल बार आज का रोजा खोलना है, उसके बाद आज ब्लॉग भी जल्दी एंड करेंगे क्योंकि मेरी भी अम्मी आई हुई है और जल्दी सोने का किया उन्होंने के आज जल्दी सोना है, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी देर में, और आज आखिरी रोजा भी साथ खोल देंगे,
गाइस ये देखें इनकी मेहंदी लग गई है, दिखाओ मेहंदी लग गई है। और आज अफ्तारी का सामान सारा बाहर से आया है, थोड़ा सा ये आज ज़्यादा कुछ नहीं रखा हुआ, ये है रबड़ी वाला और समोसे चटनी छोले और फ्रूट चाट भी करके फिर मैं स्टूप चढ़ाऊंगी। अभी हम लोग रात के खाने में स्टूप खाएंगे, रोजा सही। क्या हुआ काशान भाई, क्या कर रहे हो आप? हैं क्या खाओगे? व्यूअर्स ये देखें, अभी मैं ऊपर अपनी जेठानी के घर आ गई हूँ और अस्मा भी तकाब से उठेगी, तो इसलिए मैं हार और कंगन लेकर आई हूँ उसके लिए। तो अभी आपको दिखाते हैं अंदर चलिए। बड़ी नमाज अंदर लिया है। ये इनका घर है, एक ही कमरा है। आज दिखा दिया मैंने, वो स्टोर रूम बनाया मैंने इन्होंने, आज दिखा दिया मैंने अपनी जेठानी का घर भी है हमारे जैसा ही सेम। किचन है, बड़ी साफ सुथरी मेरी जेठानी, हमारी पूरी बिल्डिंग में सबसे साफ सुथरी भी जेठानी है। लाइक कर शेयर, क्या कर रहे हैं भाई? इसका मेरे का खराब हुआ था, इसका मेरे का। इनका स्टोर रूम ही कहती है, हमारा गंदा रूम है, इसको नहीं दिखाना। लेकिन देखिए ये भी कितना साफ सुथरा रखा हुआ इन्होंने, जनरेटर है इनका बड़ा सा। अभी हमारी अस्मा उठने वाली है, नमाज पढ़ ले, फिर हम उसको कंगन पहनाएंगे, हार पहनाएंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है, और वो बहुत छोटी है, अभी इतनी बड़ी भी नहीं है, और माशाल्लाह से तकाफ में बैठी, बहुत खुश है हम लोग। आज हमारा बच्चों भी खुश है, हमारा भालू खुश होगा क्योंकि आज उसकी आप ही उठ जाएंगी, आप ही के साथ फिर लड़ेगा। और मैंने भी 10 दिन से अस्मा का शक्ल नहीं देखी है, तरस रही हूँ मैं उसकी शक्ल देखने के लिए, उससे लड़ने के लिए। तो अस्मा से मेरी बहुत बनती भी है, लड़ाई भी होती है, तो अभी बड़ी एक्साइटेड हूँ मैं कि वो उठ जाए जल्दी से। तो अभी मिलते हैं उससे, नमाज पढ़ के आया, वो उठ गई इत्तेकाफ से, माँ बेटी का प्यार। तड़प तड़प के रो रहे थे। अब तो मिलो आप ही से, हो रहे 10 दिन का। इसने ना अपनी बहन की बहुत खिदमत करी है इस बच्ची ने, इसलिए इसका भी हक बनता है कि इसको भी गजरा बनाया जाए। इसने अपनी बहन की बहुत खिदमत करी है, 10 दिन अपनी बहन को बना के खिलाया है। पहली दफा गजरे पहने मैंने। पैसे मिले हैं, दिखा पैसे मिले। दादी ने दिए 50 रुपए और 500 रुपए। और अब ये मुझे ईद के बाद गोलगप्पे खिलाएगी इन पैसों से। 10 दिन बाद मिलने, पच्चो पप्पिया चलनी है इनकी। बहुत रोया है अपनी आपी के लिए। कहाँ गई थी आपी? आपी को पिना दो, कहाँ गई थी आपी? सभी देखा, हम ऊपर से नीचे आए हैं और अच्छा लगा ऊपर बैठ के, काफी देर हो गई, हाथ खाली रह गया था मेरा, मैंने यहाँ भी मेहंदी लगवा दी, मेरा कोई भी हाथ नाराज ना हो इसलिए मैंने अपने हाथों पे मेहंदी भी लगवा ली। और गाइस अब मिलते हैं कल ईद वाले दिन, और माशाल्लाह 30 रोजे सारे अच्छे गुजरे, आप लोगों के साथ गुजरे, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, आपके कमेंट्स पढ़ के, आपकी इतनी सपोर्ट, आपका इतना साथ, आपका इतना सारा प्यार, थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहे, अपना प्यार दिखाते रहे, और रमजान खत्म हो गए, आप सबको बहुत 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 मुबारक हो, और एडवांस में ईद मुबारक।
और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा गाइस, और कल की तैयारियां ये करना शुरू हो जाएंगी। मैं बस अब किचन में जा रही हूँ, मुझे बिरयानी, कबाब, स्टू, शेर खुरमा ये सब बनाना है, तो मैंने अभी से जो काम कर सकती हूँ, मैं प्याज वगैरह कल वाल के रख लूँ, तो मैं अभी तैयारी करने जा रही हूँ किचन में। तो इन्होंने बोला मैं जब तक व्लॉग एडिट करके अपलोड कर दूँ, और खीर भी बनानी है भाई, सुने क्या बनानी है, खीर भी बनानी है, खीर तो नहीं बना रही मैं ये बोल रही, लेकिन मैं शीर खुरमा बनाऊंगी, इसकी तो एक रिवायत है हमारी कि शीर खुरमा होना चाहिए। सो गाइज मैं अपना जा रही हूँ तैयारी करने, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, एडवांस में ईद मुबारक, बाय बाय। तो गाइज मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखें, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।